अच्छा जी, आज हम एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेसिस पीरियड का। बेसिस पीरियड क्यों कैलकुलेट किया जाता है, क्या प्रॉब्लम होती है, पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट क्लास के अंदर सोल ट्रेडर का टॉपिक डिस्कस किया था कि किस तरह हम अकाउंटिंग प्रॉफिट को टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो टैक्स ईयर हमारा होता है वो टैक्स ईयर हमारा स्टार्ट होता है 6 अप्रैल से, और ये टैक्स ईयर हमारा एंड होता है 5 अप्रैल में। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसमें डेट डाल दूं, अगर मैं इसे 6 अप्रैल 20 से 5 अप्रैल 21 कर दूं, जो कि 12 महीने बनते हैं, तो इसको हम लिखेंगे टैक्स ईयर 2021। इसका मतलब है 6 अप्रैल 20 पहले लिखेंगे और 21 20 पहले लिखेंगे, 21 बाद में लिखेंगे, इट्स 2021। सिमिलरली, अगर मैं आपसे कहूं कि ये टैक्स ईयर जो है वो 6 अप्रैल 17 से स्टार्ट हो रहा है और 5 अप्रैल 18 में ख़त्म हो रहा है, तो ये 18 19 नहीं होगा। इसको भी हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 17 18। ये टैक्स ईयर लिखने का तरीका है। अगर मैं एंडिंग डेट से देखूंगा, एंडिंग डेट लिखी हुई है 5 अप्रैल 21, तो 2021, 5 अप्रैल 18 तो 17 18। बिगनिंग से देखूंगा तो मैं इसके अकॉर्डिंगली लिख सकता हूँ। अच्छा, प्रॉब्लम ये होती है कि जो हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है वो टैक्स ईयर के कंपैटिबल नहीं होता। हमारा जो अकाउंटिंग ईयर होता है वो नॉर्मली डिफरेंट होता है फ्रॉम टैक्स ईयर। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि हमने एक अकाउंटिंग ईयर बनाया जो कि 1 जनवरी से शुरू हुआ और 31 दिसंबर 20 पर ख़त्म हो गया, और इसमें हमने प्रॉफिट बनाया टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट, फॉर एग्जाम्पल 500,000। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो प्रॉफिट है, अगर आप इसे टैक्स ईयर में देखेंगे तो ये प्रॉफिट तो 2 टैक्स ईयर के अंदर फॉल हो रहा है। कुछ पोर्शन इसका 2021 में फॉल हो रहा है और कुछ पोर्शन इसका 1920 के अंदर फॉल हो रहा है। तो इस प्रॉफिट के ऊपर हम टैक्स किस ईयर में लगाएं? सो हम इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए हम ये करते हैं कि हम अकाउंटिंग ईयर को टैक्स ईयर के कंपैटिबल बनाते हैं। तो अकाउंटिंग ईयर को टैक्स ईयर के कंपैटिबल बनाने के प्रोसेस को कहते हैं बेसिस पीरियड, कि हम अपने अकाउंटिंग ईयर का रेलेवेंट बेसिस पीरियड और रेलेवेंट असेसिबल प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे कि हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है उसका प्रॉफिट किस टैक्स ईयर में फॉल होगा, और फिर रेलेवेंट टैक्स ईयर के अंदर हम उस पर टैक्स लेना शुरू कर देंगे। एनदर प्रॉब्लम इज दैट कि अकाउंटिंग ईयर 12 महीने का भी होता है, अकाउंटिंग ईयर लेस देन 12 महीने का भी होता है, और अकाउंटिंग ईयर मोर देन 12 महीने का भी हो सकता है। लेकिन टैक्स ईयर नॉर्मली स्टैंडर्ड 12 महीने का होता है, ये भी प्रॉब्लम है। अब आपने 6 महीने का अकाउंटिंग पीरियड बनाया, 18 महीने का अकाउंटिंग पीरियड बनाया, हाउ टू आइडेंटिफाई द रेलेवेंट टैक्स ईयर? प्रॉब्लम क्या है? हाउ टू आइडेंटिफाई दी रेलेवेंट टैक्स ईयर, ये है टॉपिक। और ये टॉपिक आगे जाके पार्टनरशिप पे भी अप्लाई होना है, इसके बाद हम पार्टनरशिप का टॉपिक करेंगे, तो ये पार्टनरशिप पे भी अप्लाई होना है, ये सोल ट्रेडर पे भी अप्लाई होता है। अब इसके लिए पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम अपने बिजनेस को 3 स्टेजेस में क्लासिफाई करते हैं, फिर हर स्टेज का रेलेवेंट टैक्स ईयर फाइंड आउट करने की टेक्निक पे बात करेंगे। आपके पास पहला स्टेज होता है कंटिन्यूअस बिजनेस, रनिंग बिजनेस, आपका बिजनेस चल रहा है, ऑनगोइंग है। दूसरी, आपके पास बिजनेस स्टार्ट हो सकता है कि आपने अभी बिजनेस स्टार्ट किया है, जस्ट स्टार्टेड, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तीसरा सिनेरियो हो सकता है आप बिजनेस बंद कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सिसेशन ऑफ बिजनेस। ये 3 सिनेरियो के बेसिस पीरियड अलग अलग कैलकुलेट किए जाएंगे।
जो आपका रनिंग बिजनेस होगा उसका टैक्स ईयर अलग तरीके से आइडेंटिफाई होता है, जो आपका बिजनेस स्टार्ट होगा उसका टैक्स ईयर अलग तरीके से आइडेंटिफाई होगा, और जो आपका बिजनेस एंड होगा तो उसका टैक्स ईयर सेपरेट तरीके से आइडेंटिफाई होगा। और फिर बाद में हम इन तीनों सिचुएशन को पार्टनरशिप के ऊपर भी अप्लाई कर देंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट अ रनिंग बिजनेस, एन ऑन गोइंग बिजनेस, एन ऑन गोइंग बिजनेस, अ रनिंग बिजनेस, एक चलता हुआ बिजनेस। अब एक रनिंग बिजनेस जो भी अकाउंटिंग ईयर बना रहा है उसका रेलेवेंट टैक्स ईयर, बेसिस पीरियड इज रेलेवेंट टैक्स ईयर क्या होगा? तो उसका बेसिस पीरियड का तरीका क्या होता है, हम इस्तेमाल करते हैं करंट ईयर बेसिस। याद रहे सिर्फ ऑनगोइंग बिजनेस का रूल, सी वाई बी कहेंगे इसे, करंट ईयर बेसिस इस्तेमाल करेंगे। क्या मतलब करंट ईयर बेसिस, एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा एक बिजनेस है जिसका अकाउंटिंग ईयर एंड हमेशा हम बनाते हैं 30th June, और हमें प्रॉफिट दिया हुआ है फॉर द ईयर एंड 30th June 2019 100,000 का प्रॉफिट। June 2020 200,000 का प्रॉफिट। आइडेंटिफाई द रेलेवेंट टैक्स ईयर, तो क्योंकि ये ऑनगोइंग बिजनेस है ना, तो ऑनगोइंग बिजनेस का रेलेवेंट टैक्स ईयर होता है करंट ईयर बेसिस। अब करंट ईयर बेसिस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, टेक डेट 30th June 2019, ये अकाउंटिंग ईयर एंड, इस डेट को चेक करें कि ये किस टैक्स ईयर के अंदर फॉल हो रही है। कैसे देखेंगे, जून 19 किस टैक्स ईयर में फॉल हो रहा है, तो इसको ऐसे असेस कर लेंगे कि ये 1920 का टैक्स ईयर बनता है, यानी कि 6 अप्रैल के बाद अगर डेट आ रही है ना, तो जो डेट लिखी हुई है अगर 30th June 2019 लिखी हुई है तो हम 1920 कर देंगे। इसी तरीके से अगर मेरा अकाउंटिंग ईयर एंड बनता है फॉर एग्जांपल 30th October 2018, ये मेरा अकाउंटिंग ईयर एंड है, तो इसका करंट ईयर बेसिस क्या होगा, इसका करंट ईयर बेसिस में टैक्स रूल होगा ये किस टैक्स ईयर में फॉल हो रहा है, 18-19 में फॉल हो रहा है। इसी तरीके से अगर मेरा अकाउंटिंग ईयर 28 फरवरी आ रहा है, 28 February 2020 ईयर एंड है मेरा, तो अब देखें इसका जो करंट ईयर बेसिस बनेगा वो मैं 2021 नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये 6 अप्रैल से पहले ईयर एंड हो रहा है, तो अब मैं लिखूंगा 1920। इसी तरीके से मैं डेट को और पीछे कर लेता हूं, तो अगर मैं 31 जनवरी 2019 को अपना ईयर एंड कर रहा हूं, तो उसका रेलेवेंट टैक्स ईयर क्या होगा करंट ईयर बेसिस के अंदर, अब क्योंकि ये 6 अप्रैल से पीछे है तो इसका रेलेवेंट ईयर एंड होगा 18 and 19। तो अगर डेट ईयर एंड की 6 अप्रैल या उसके बाद आ रही है तो हम किस तरीके से लिखेंगे, और अगर वो 6 अप्रैल से पीछे आ रही है यानी कि मार्च ईयर एंड है, फेब ईयर एंड है, जनवरी ईयर एंड है, तो फिर मैं किस तरह से लिखूंगा, ये करंट ईयर बेसिस लिखने का तरीका है। सो ऑनगोइंग बिजनेस का बेसिस पीरियड आइडेंटिफाई करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ईयर एंड को देख कर रेलेवेंट डेट पिक करनी पड़ती है, जो कि बहुत आसान सी चीज है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम आती है जब हम पहुंचते हैं ऐसे बिजनेस के ऊपर जो स्टार्ट हुआ है, जिसको हम कहते हैं कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो वैसे ही उसके साथ बहुत प्रॉब्लम होते हैं, शुरू के सालों में लॉसेस भी आ रहे होते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना वो है बेसिस पीरियड फाइंड आउट करना। वो बेसिस पीरियड कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको हम डिस्कस करते हैं, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। चलें जी चलते हैं कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की तरफ। ओपनिंग ईयर रूल, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस या ओपनिंग ईयर रूल,
फॉर एग्जाम्पल एक शख्स ने 1 जनवरी 2020 को एक बिजनेस स्टार्ट किया। अब देखिए, एक शख्स जब बिजनेस स्टार्ट करता है ना, तो वो अपना पहला अकाउंटिंग ईयर एंड कब बनाएगा? जरूरी तो नहीं है 12 महीने का हो, उसके पास तो चॉइस होती है। उसने कहा मैं पहला अपना अकाउंटिंग ईयर एंड बना देता हूं 30 अप्रैल 2020। कितने महीने का अकाउंटिंग ईयर एंड बना? जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, 4 महीने। इट्स अ शॉर्ट अकाउंटिंग पीरियड। वो कहता नहीं, इसको मैं काम कर सकता हूं, इसको मैं 31 दिसंबर पे एंड कर देता हूं। कितने महीने का अकाउंटिंग पीरियड बना? 12 महीने। वो कहता नहीं, इसे मैं 30 अप्रैल 2020 पे एंड नहीं करता, इसे मैं 30 अप्रैल 2021 पे एंड करता हूं। तो अब अकाउंटिंग पीरियड कितना बना? अब अकाउंटिंग पीरियड बन गया 16 महीने। सो या तो शॉर्ट अकाउंटिंग पीरियड होगा, या नॉर्मल अकाउंटिंग पीरियड होगा, या मोर देन 12 मंथ लॉन्ग पीरियड ऑफ अकाउंट होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि टैक्स वाले ये कहते हैं कि अगर हम नॉर्मल रूल अप्लाई करें कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस पे, कौन सा रूल? ऑनगोइंग वाला रूल अप्लाई करें, करंट ईयर बेसिस अप्लाई करें, तो वो टैक्स वालों के लिए बेनिफिशियल नहीं होता। टैक्स वाले कहते हैं कि पहले साल में चाहिए आप हमें कुछ ना कुछ टैक्स तो दें, चाहे 2 महीने का दें, 3 महीने का दें, 4, यानी कि पहला टैक्स ईयर 12 महीने से कम का हो सकता है, लेकिन पहले के बाद सब्सिक्वेंट हर टैक्स ईयर कैन नेवर बी लेस देन और मोर देन 12 मंथ। तो पहले टैक्स ईयर में वो कॉम्प्रोमाइज करके कहते हैं भाई कुछ तो दो, क्योंकि अगर हम नॉर्मल रूल फॉलो करेंगे तो उस नॉर्मल रूल से टैक्स वालों को कोई फायदा नहीं होने वाला, इसलिए उन्होंने कमेंसमेंट के स्पेशल रूल बनाए। और वो स्पेशल रूल हम फॉलो करेंगे कि जब भी एक बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसके कमेंसमेंट के रूल क्या होते हैं। पहले तो मैं आपको एक टेबल शेयर करता हूं और फिर उसको हम डिस्कस भी करेंगे और अपने हिसाब से भी डिस्कस करेंगे और टेबल के हिसाब से भी डिस्कस करेंगे। ये आपके सामने एक टेबल आ रहा है जिसमें कमेंसमेंट का पूरा रूल दिया हुआ है। ये कमेंसमेंट का पूरा रूल, इसको हम रेफर करते हैं, लेकिन पहले हम अपने स्टाइल से करते हैं कमेंसमेंट का रूल और उस पर बात करते हैं। देखें, जो फर्स्ट ईयर ऑफ टैक्स होगा ना, पहला साल, उसका टैक्स ईयर हमेशा स्टार्ट होगा कमेंसमेंट डेट से, जहां से आपने बिजनेस शुरू किया, और वो टैक्स ईयर कमेंसमेंट के बाद जो 5 अप्रैल आएगी उसके ऊपर वो स्टॉप हो जाएगी। यानी कि आपको ये देखना है कि पहले साल में कमेंसमेंट डेट क्या है और उसके बाद 5 अप्रैल कब आ रही है। वो 5 अप्रैल 2 महीने बाद आए, 10 महीने बाद आए, वहां पर आप रुक जाएंगे और जितना भी प्रॉफिट होगा उस पर कहेंगे लाइन टैक्स दें। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस कमेंस हुआ 1 जनवरी 2020 और पहला अकाउंटिंग ईयर एंड उसने बनाया 30 सितंबर 2020 और उस पर प्रॉफिट आया 68,000। तो हमारा पहला टैक्स ईयर क्या होगा? अगर हम ऑनगोइंग के हिसाब से बात करें, करंट ईयर बेसिस के हिसाब से बात करें, तो पहला टैक्स ईयर बनना चाहिए था 2021, लेकिन टैक्स वाले इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये तो कमेंसमेंट का रूल है ना, ये करंट ईयर ऑनगोइंग का तो रूल नहीं है। वो कहेंगे जी आप पहला टैक्स ईयर बनाएं 1 जनवरी 2020 से शुरू हो और इसके बाद जो 5 अप्रैल आ रहा है उस पर ब्रेक लगा, ये आपका पहला टैक्स ईयर होगा। कितना प्रॉफिट पे आप टैक्स देंगे? प्रॉफिट 68,000 जो आपको दिया हुआ है वो कितने महीने का है? जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 9 मंथ्स का है। और असेसेबल कितना है? जैन, फेब, मार्च, 3 महीने। वो कह रहे हैं ये अकाउंटिंग पीरियड तो 9 महीने का है, लेकिन आप हमें अभी 3 महीने का टैक्स दे दें। 68,000 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 3,
22667, और इसका रेलेवेंट टैक्स ईयर क्या बनेगा? इसका रेलेवेंट टैक्स ईयर बनेगा 19-20। अब आप चेक करें, अगर ऑनगोइंग वाला रूल बना हुआ होता तो टैक्स वालों को पहला टैक्स कलेक्ट होता 20-21 में, विच इज नॉट गुड, टैक्स डिले हो रहा है। लेकिन अगर कमेंसमेंट के रूल से बात की जाए तो उन्हें कुछ ना कुछ टैक्स मिल रहा है 19-20 में, इसलिए कमेंसमेंट वाले रूल में करंट ईयर बेसिस नहीं इस्तेमाल करते, उसके लिए एक अलग रूल उन्होंने डिजाइन किया है। वरना कोई भी अकाउंटिंग डेट को चेंज करके उसको स्मार्टली बना के अपना टैक्स डिले कर सकता है, अपना टैक्स डेफर कर सकता है। इसलिए कमेंसमेंट में हमेशा पहले साल में हम क्या करते हैं, अब इसको रेफर करें, फर्स्ट ईयर टैक्स का क्या होगा, टैक्स ईयर इन विच ट्रेड स्टार्ट क्या होगा, फ्रॉम डेट ऑफ कमेंसमेंट से चलेंगे टू फॉलोइंग 5th अप्रैल, और इसको कहा जाता है एक्चुअल बेसिस। यानी ये पहला टैक्स ईयर किस बेसिस पर होगा, एक्चुअल बेसिस के ऊपर बनेगा। बन गया, चले ये तो बहुत आसान है। जो दूसरा टैक्स ईयर हम बनाएंगे, वो दूसरा टैक्स ईयर बनाने से पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि आपका जो पहला अकाउंटिंग ईयर है वो 12 महीने का है, लेस देन 12 महीने का है, या मोर देन 12 महीने का। ये तीन सिनेरियो बन गए, और इन तीन सिनेरियो के अलग अलग टैक्स ईयर बनते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, इसको प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। कमेंसमेंट, अकाउंटिंग पीरियड इज लेस देन 12 मंथ। एक बंदे ने एक बिजनेस स्टार्ट किया और अकाउंटिंग पीरियड जो पहला बनाया उसने, वो लेस देन 12 मंथ, तो रेलेवेंट बेसिस पीरियड क्या होगा? अब इसका रूल देखते हैं, फर्स्ट ईयर में क्या होगा, फर्स्ट टैक्स ईयर क्या होगा, कमेंसमेंट से चलेंगे एंड 5th अप्रैल पे रुक जाएंगे। सेकेंड टैक्स ईयर क्या होगा, दोबारा कमेंसमेंट से स्टार्ट करेंगे। अब आप कहेंगे टैक्स वालों से, भाई ये तो दो दो मरतबा टैक्स दे रहे हो, उसने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, 12 मंथ आगे जाएंगे, क्योंकि सेकेंड टैक्स ईयर के नेवर बी लेस देन और मोर देन 12 मंथ, ये रूल है। तो जब फर्स्ट टैक्स ईयर भी कमेंसमेंट से शुरू होगा और सेकेंड ईयर भी कमेंसमेंट से शुरू होगा, तो इसके अंदर एक प्रॉब्लम आएगी, एंड दैट प्रॉब्लम इज कॉल्ड ओवरलैपिंग ऑफ प्रॉफिट। ओवरलैपिंग ऑफ प्रॉफिट का मतलब है आपने दो मरतबा टैक्स दे दिए, टैक्स पेड ट्वाइस, फर्स्ट टैक्स ईयर में भी कुछ दिया और सेकेंड में भी कुछ दे दिया, तो ये ओवरलैपिंग ऑफ प्रॉफिट आपके पास डबल टैक्स चला गया टैक्स वालों के पास, जिसका रिलीफ आपको मिल जाएगा। लेकिन रिलीफ कब मिलेगा, रिलीफ उस वक्त मिलेगा जब आपका बिजनेस एंड हो जाएगा, तो आपको उस रिलीफ के लिए इंतजार करना पड़ेगा। ओवरलैपिंग कैसे निकालते हैं, कितने महीने की होगी, वो सब कैलकुलेट करना सीखना है। लेकिन शॉर्ट अकाउंटिंग पीरियड वाले के पहले 2 साल मैंने आपको बता दिए कि ये पहले 2 साल बनते हैं,